हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे स्टफ्ड चीज़ गार्लिक ब्रेड। स्टफ्ड चीज़ गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए पहले हम उसका डो रेडी करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी मैदा, ऑरिगेनो, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, चीनी, नमक, दूध, पानी, चिली फ्लेक्स और खट्टा दही। इनकी क्वांटिटीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो अब हम इसका डो बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए पहले मैं एक बोल में मैदा ले लूँगी। इसमें आधा टीस्पून मैं डालूँगी बेकिंग पाउडर और आधे से थोड़ा सा कम हम डालेंगे बेकिंग सोडा। फिर हम इसमें डालेंगे एक टीस्पून चीनी, एक टीस्पून नमक और ऑरिगेनो। ऑरिगेनो अगर आपके पास नहीं है तो आप मिक्स्ड हर्ब्स भी यूज़ कर सकते हो। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच खट्टा दही और साथ में ही डाल देंगे 1/4 कप दूध। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हमने इसका एक सॉफ्ट डो रेडी करना है। दूध के अलावा अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो अब हम इसे बाइंड करने के लिए थोड़ा सा पानी यूज़ करेंगे। तो जब ये डो इकट्ठा हो जाएगा तो आप इसे एक प्लेन प्लेटफॉर्म पे निकाल के 10 मिनट तक गूंदेंगे। अब हमने इसे 10 मिनट तक गूंद लिया है। आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसे वापस बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे कवर करके रख देंगे 1 घंटे तक। तो अब हमारे डो को 1 घंटा हो गया है, पर पहले जो हमें और सामान चाहिए इस रेसिपी के लिए मैं वो आपको बता देती हूँ। तो यहाँ मैंने ले लिया है लहसुन, जिसे मैंने पहले ही ग्रेट कर लिया है, ये 1 चम्मच के आसपास है। फिर मैंने लिया है सॉल्टेड बटर, जो अमूल बटर मार्केट में आता है वो, लेकिन आपने इसे रूम टेम्परेचर पर कर लेना है पहले। फिर हमें चाहिए प्याज, जिसे मैंने चॉप कर लिया है। फिर चाहिए शिमला मिर्च, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। और थोड़ा सा तेल हमें चाहिए जो हमारी बेकिंग ट्रे है उसे ग्रीस करने के लिए। और यहाँ मैंने सूखा मैदा लिया है डो को रोल करने। तो अब हम अपने डो को निकाल लेंगे और उसे 1 मिनट तक फिर से गूंद लेंगे। तो अब हम इसे सूखे मैदे की हेल्प से रोल कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला हमने इसे रोल नहीं करना है, हमने इसे एक मोटे परांठे जितना रोल करना है। तो अब ये हमारा रोल हो गया है, लेकिन पहले हम अपनी कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ मैंने ये कढ़ाई रख ली है। गैस का फ्लेम ऑन करके हम इसे कवर करके रख देंगे मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक हीट होने के लिए। जब तक हमारी कढ़ाई हीट हो रही है तब तक हम अपना गार्लिक बटर बना लेंगे। उसके लिए जो हमने रूम टेम्परेचर पर बटर लिया है इसमें हम ऐड करेंगे गार्लिक, इसे मैंने पहले ही ग्रेट कर लिया है और ये मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। फिर हम इसमें डालेंगे ऑरिगेनो या फिर मिक्स्ड हर्ब्स और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमारा गार्लिक बटर रेडी हो गया है। अब हम इसे अपनी इस पूरी शीट पर अप्लाई करेंगे। अब हमने अपना गार्लिक बटर इस पे लगा लिया है। अब हम इस पे ऐड करेंगे चीज़। चीज़ हमने एक साइड को ही डालनी है और आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, मोज़रेला चीज़, प्रोसेस चीज़ या फिर पिज़्ज़ा चीज़। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे कैप्सिकम। और अनियंस।
अब हम गार्लिक ब्रेड को क्लोज कर देंगे, लेकिन उसके लिए हम सारे जो कॉर्नर्स हैं उस पर थोड़ा थोड़ा पानी अप्लाई करेंगे। पर पहले हम इन सब्जियों के ऊपर थोड़ा सा चीज़ और ऐड करेंगे और पानी से इसके एंड्स को सील कर देंगे। और इसे अच्छे से क्लोज कर देंगे। अब हमारा ये रेडी हो गया है। अब हम अपनी बेकिंग ट्रे को ग्रीस कर लेंगे। उसके लिए इस ट्रे पे मैं लगाऊंगी थोड़ा सा ऑयल और ऊपर से थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करेंगे। तो अब हमारी बेकिंग ट्रे रेडी है। अब हम अपने ब्रेड को इसके ऊपर प्लेस कर देंगे। ब्रेड को इस पे ट्रांसफ़र करने के बाद हम इस पे अच्छे से गार्लिक बटर अप्लाई करेंगे। तो हमने गार्लिक बटर इस पे लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर से चिली फ्लेक्स जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे। तो अब हम नाइफ़ की हेल्प से इसके ऊपर कट लगाएंगे, लेकिन हमने इसे कम्प्लीटली कट नहीं करना है, सिर्फ हमने कट के निशान बनाने हैं। तो अब हमारा पैन प्री हीट हो गया है। अब पहले मैं इस पर रखूंगी एक स्टैंड और उसके ऊपर हाइट देने के लिए एक बर्तन रख रही हूँ और उसके ऊपर प्लेस करूंगी मैं अपनी बेकिंग ट्रे। अब हम इसे कवर करके बेक करेंगे 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम पर। अब आप देख सकते हैं हमारी गार्लिक ब्रेड रेडी हो गई है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे बाहर निकाल लेंगे। तो अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा तो हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे। तो अब ये हल्का ठंडा हो गया है, अब हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। तो हमारी ये गार्लिक ब्रेड रेडी है। आप इसे स्टिक्स में कट करके सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।